आज का वीडियो हमारा छत्तीसगढ़ कूलर रिवाइंडिंग के ऊपर है। इसको वाइंडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें चार कॉल बनानी पड़ेंगी। ये चार कॉल हैं किसी लकड़ी की फंटी पर बना लेंगे, जिनकी लंबाई होगी 26.5 इंची और तार का गेज होगा 29 नंबर। ये चार कॉल का सेट स्टार्टिंग के लिए हो जाएगा। इसके बाद हमें रनिंग के लिए 19 इंची लंबी जहाँ तक चार कॉलें बनानी पड़ेंगी, जिनका गेज होगा 33 नंबर। सबसे पहले हमें स्टार्टिंग वाली कॉल 26 इंची लंबी जो है वो डालनी है। इसमें हम 3 स्लॉट छोड़ देंगे। जी हमारा पहली कॉल का कनेक्शन इधर आ जाएगा। इसको 2 बार हम इसके ऊपर लपेटेंगे। अब इस कॉल के बराबर में हम इसे 2 बार और कॉल को डालेंगे। एक बार हमने ये डाल दी, अब इसे एक और बार टर्न ले लेंगे। अब इसके बाद हम इन दोनों कॉलों में से 3-3 बार इस कॉल को डालेंगे और दूसरा कनेक्शन हमारा ये आ जाएगा। जहाँ अब एक बार हमने डाल दिया, अब इसके ऊपर डबल घुमाएंगे। अब हमारी ये कॉल इसमें 2 बार घूम चुकी है, अब लास्ट में 3rd बार और इसे डालेंगे। अब ये हमारी ये कॉल कंप्लीट हो चुकी है। इसमें टोटल 9 स्लॉट घिर चुके हैं, 3 इधर 3 इधर 3 इधर बीच में छोड़े हैं 9, और इसमें 36 हैं, 9 चौक 36, तो 3 कॉल और इसमें आएंगी, ये पूरी स्लॉट भर जाएंगी। इसी की तरह सेम 3 और 8 डालनी है। इसके बाद हम दूसरी कॉल डालेंगे, इसका ये कनेक्शन कॉल का इधर साइड में कर लेंगे और इस कॉल के बराबर में 2 स्लॉट हमें छोड़नी पड़ेंगी। और इसके बीच में 3 स्लॉट। दो इसके बराबर में, 3 इसके बीच में। इसको इसके ऊपर 2 बार टन लेंगे। अब इस कॉल के बराबर में इसको 2 बार दूसरे स्लॉट में डालेंगे।
अब इस कॉइल के बराबर में इन स्लॉट में और इस स्लॉट में इस कॉइल को 3 बार हम घुमाएंगे। एक ये कनेक्शन इधर निकल आएगा इसका। अब इसमें कॉल को हमने 2 बार घुमा दिया है, लास्ट तीसरी बार और घूमेगी ये। अब जी हमारी 2 कॉल कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जिस प्रकार हमने जो 2 कॉल डाली हैं, इसी प्रकार हमारी 4 और कॉलें पड़ जाएंगी। एक बार मैं इसका और नियम आपको रिपीट कर दूं, इसके बीच में आपको 3 स्लॉट छोड़नी है, फिर दोबारा में ये 2 बार डालनी है कॉल, फिर ये दोबारा में 2 बार, फिर लास्ट में तीसरे में 3 बार। अब इसमें हमको 19 इंची वाली रनिंग की 4 कॉइल डालनी है। अब इसकी ये 6 स्लॉट भरी हुई है, इसकी बीच की 4 स्लॉट हमें छोड़ देनी है, इस लास्ट वाली में और इस लास्ट वाली में हमको एक कॉइल फंसानी है। इसका एक कॉइल का कनेक्शन बाहर निकाल देंगे इधर। इसमें केवल 1 बार डालनी है। अब इसके बाद हमको इसमें इसके बराबर वाली स्लॉट जो खाली जो है इसमें 3 बार कॉल डालनी है। ये हमने 1 बार कॉल डाल दी। अब इसके बाद दोबारा अब जी कॉल टोटल 2 बार इसमें आ चुकी है, अभी 1 बार और पड़ेगी, 3 बार पड़नी है। अब इस कॉल को हम तीसरी बार डाल लें। अब इसके बाद हमें
इस स्लॉट में बराबर वाली में, और इसमें ये एक बार केबल डालनी है। अब जी कॉल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक बार और मैं इसका रिपीट नियम रिपीट कर दूं, ये दोनों कॉल जो हैं इनके बीच की चार स्लॉट, 1 2 3 4 ये छोड़ के एक बार इसमें डालनी है कॉल, एक बार इसमें, एक एक बार। इसके बाद मुझे खाली जो है इसमें 3 बार, इसमें 3 बार, फिर इसके बाद एक बार इसमें और एक बार इसके ऊपर आ जाएगी। यही चारों का नियम है। कर लिया हमने और अब इनके कनेक्शन हमको करने हैं। इस कॉल में जो बाहर वाला वायर है, जो अंदर वाला वायर है, तो इसमें जो बाहर वाला, जो अंदर वाला, तो हमें बाहर वाले वायर से बाहर वाला, अंदर वाले वायर से अंदर वाला वायर कनेक्ट करना है। इस कॉल से स्टार्ट करते हैं। जो आ गया हमारा पावर के लिए, और जो अंदर वाला वायर है तो इस कॉल के अंदर वाले वायर से क्रैक हो जाएगा। जी हमारा कनेक्शन के लिए पावर के लिए आ गया। ये अंदर वाले से अंदर वाला हमने कनेक्ट कर दिया, और ये दूसरी कॉल का ये बाहर वाला है, और ये तीसरी का बाहर वाला, तो हमें बाहर वाले वायर से बाहर वाला कनेक्ट करना है। और ये तीसरी कॉल का अंदर वाला और चौथी कॉल का ये अंदर वाला वायर ये कनेक्ट करने हैं। अब इसमें एक जी बाहर वाला और एक बाहर वाला जी हमारे सप्लाई के लिए, पावर के लिए आ गए। सेम अब अंदर वाली कॉल के भी कनेक्शन ऐसे ही हैं, बाहर वाले से बाहर वाला और अंदर वाले से अंदर वाला, ऐसे ही कनेक्ट करके चले जाएंगे। अब इसमें ये हरा और लाल वाला तार हम आपस में कनेक्ट कर देंगे, रेड और ग्रीन, एक लाइट के लिए हो जाएगा पावर के लिए, और कैपेसिटर के लिए ये रेड वाला लगेगा और एक ग्रीन वाला। हमें पावर रेड वाले पे और इस रेड वाले पे देनी है। We'll be right back.